व्यापार बचाओ, क्योंकि पिछले 5 महीने से व्यापारी बहुत ज्यादा त्रासित कर रहा है। व्यापार बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया है, कर्मचारी बेरोजगार होने की कगार पर है। क्यों व्यापार नहीं चलेगा, असर किससे आएगा? सबसे पहला कर्मचारियों के ऊपर बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ने से क्या होगा कि गलत काम बढ़ेंगे। जब वर्कर को काम नहीं मिलेगा, 100 वर्कर 1000 वर्कर फ्री होगा, उसमें से 5-10% ऐसे भी होंगे गलत काम की तरफ जाएंगे, उसका नुकसान किसको होगा? सरकार रोजगार तो दे नहीं रही और रोजगार छीनने का काम कर रही है। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि बॉर्डर को खुलवाओ ताकि व्यापार सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि पिछले साल जो बाढ़ आई थी तभी हम लोगों ने ही भुगता था। सरकार से हमने कुछ नहीं डिमांड करी थी, ना हमारे को सरकार ने कुछ देने की वो करी थी, ना हमने मांगा था, उल्टा हमने अपनी तरफ से लोगों की हेल्प करी, सरकार की हेल्प करी। आज यही सरकार हमारे ऊपर, अगला कदम तो बहुत बड़ा रहेगा, इसमें सारा संगठन मिलकर, सारी एसोसिएशन मिलकर इस पर विचार करेंगे हम, और मेरे को उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्दी सुनवाई करेगी, क्योंकि ये व्यापारी बहुत बड़ी ताकत है। व्यापारी सरकार बनाना भी जानता है, सरकार बदलना भी जानता है। ये मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारा साथ दोगे तो कल को हम आपका साथ देंगे। तो इस पर सारी अम्बाला शहर की जितनी एसोसिएशन है, मार्केट सब शामिल है, कपड़ा मार्केट, अग्रसेन चौक मार्केट, कालका मोड़ मार्केट, मिक्सी एसोसिएशन, दाल बाजार, सब्जी मंडी एसोसिएशन तकरीबन, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सभी एसोसिएशन इसमें शामिल है। जब ये बॉर्डर पिछले 6 महीने से बंद है, शंभू बॉर्डर, उसके लिए व्यापारी वर्ग हमारा बहुत परेशान है, खासतौर से कपड़ा मार्केट, बिलारी मार्केट, अनाज मंडी हमारा शहर, और भी कई सस्ते ट्रांसपोर्टर भी बहुत परेशान है। तो उसके मुहिम चलाई गई कि हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जो कि हम ज्ञापन अपना डीसी साहब को देंगे अब जाके, और हमें बहुत समर्थन मिला व्यापारियों का, और हर एक व्यापारी दुखी है जो ये अपना कारोबार देती है कपड़ा मार्केट हजारों बच्चों को, वो आज बेरोजगारी की स्थिति में आ गया है। तो सरकार से ये आग्रह करेंगे कि इसको बॉर्डर को जल्द जल्द खोला जाए और व्यापार को बचाया जाए, शंभू बॉर्डर खोले और व्यापार बचाए। देखिए कि भी आज ऑलमोस्ट 5 महीने हुए हैं शंभू बॉर्डर बंद है, जिससे हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहलाने वाली मार्केट है, जहाँ पे हर रोज का हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है, जिससे बहुत ज्यादा हमारा कपड़ा व्यापारी इवन मनियारी बाजार, सराफा बाजार प्रभावित हो रहा है। आप देखिए कि भी जितना भी लोकल कस्टमर है पंजाब का, हमारा ऑलमोस्ट 50% जो कपड़ा मार्केट डिपेंड है, पंजाब पे डिपेंड है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। अब आगे देखिए, आगे बारिश का सीजन है और जो वहाँ पे जो छोटे मोटे रास्ते निकलने के लिए बने हुए हैं, वो भी ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर है। तो यही हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द समाधान हो, ताकि जो व्यापारी के ऊपर ये बोझ पड़ा हुआ है, जो ये संकट पड़ा हुआ है, ये जल्द से जल्द दूर हो। अगर अभी भी आप लोगों की नहीं सुनी जाती तो आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए हम माननीय असीम गोयल जी पे गए थे और उन्होंने कहा था कि भी हम अमित शाह जी पे मिलने का टाइम ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम लोग उनके साथ वहां पर जाएंगे और इसका समाधान का हल करेंगे।